अदृश्य उपलब्धि हेतु स्वीकार करो और कारण कार में अभिनव भाव स्वीकार करो। जब तक कारण कार में अभिनव भाव स्वीकार नहीं करोगे कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी और पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी। कारण कार होगा तभी पुरुषार्थ लगेगा, कारण कार नहीं तो पुरुषार्थ नहीं बनेगा और पुरुषार्थ के ना पुरुष की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए कारण का स्वीकार करना चाहिए। कार्य होता है नाश से कार्य होता है, नाश से कार्य होता है और नाश में भी क्रियाकारत्व देखते हैं। तो नाश में तुम क्रियाकारत्व देख रहे हो अर्थ क्रियाकारत्व बुद्ध, नाश में तुम क्रियाकारत्व देख रहे हो तो नाश तो नस गया, उत्पत्ति किसकी? तो एक पक्ष देख रहे हैं नाश से उत्पत्ति, नाश से उत्पत्ति, नाश से उत्पत्ति। अरे उत्पत्ति नाश से है, नाश उत्पत्ति है पर नाश से उत्पत्ति नहीं है। पर्याय का प्रमाण होना नाश स्वीकारते हुए यदि आप तुम पर्याय के प्रमाण को स्वीकार दो नाश, परंतु पर्याय के प्रमाण होने पर भी वह द्रव्यत्व का विनाश नहीं है। आपको प्रश्न के पहले इतना ध्यान रखना चाहिए विषय क्या चल रहा है। कारण है बौद्ध दर्शन कार्य मानता कारण नहीं मानता, ठीक उसे हम समझा रहे हैं कि कार्य है तो कारण नियत है, कारणम से कार्यकम, बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तब संबंध मैंने कार लिंगी कारण, तुम कारण को नहीं मानना चाहते तो कार का लिंगी कारण है, कार्य लिंग ही तो कार्य लिंग कार हेतु बन गया किसका? कारण का। तो कभी कारण हेतु बनता किसका? कार्य का। पर तुम कारण को नहीं मानते हो ना, इसलिए हम कार्य को काल का लिंग बना रहे हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कारण लिंग है और कार्य कार्य, पर कार्य को समझने के पहचानने के लिए कारण का बोध, कारण को समझने के लिए कार्य का बोध, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना चाहिए जो सुगत दर्शन कह रहा है कि कार्य होता कारण नहीं होता, तो ऐसा इनकी बुद्धि चली क्यों, ये पहले सोचना चाहिए क्यों चली। मेरे विचार करना था, विचार करने के लिए पक्ष बनाना। अब तुम्हें निर्विचार करने के लिए पक्ष बना रहे हो, निर्विचार करने के लिए पक्ष बना रहे हो। आदमी अच्छा करने के लिए कुछ दूसरा काम करना चाहता, याज्ञिक हिंसा को रोकने के लिए क्षणिकों को खड़ा किया, वो क्षण कभी हिंसा का कारण बन गया। लोग बिलखते थे, रोते थे, क्षण भंगुर को देखते थे, उसमें नित्यत्व खड़ा किया सांख ने। भाई तुम क्यों रो रहे हो, नाश होता ही नहीं है। वो दृष्टि थी द्रव दृष्टि, पूरे उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई, सांख कार का भी लिखा है, मत देखो तुम नाश को नित्य को देखो। तो नित्य को देखो क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला युद्ध में इतने लोग मर रहे हैं, अरे आत्मा का नाश कहाँ हो रहा है? तो
तब उन्होंने लिखा वस्त्र के जीर्ण होने पर शरीर जीर्ण नहीं होता, न जीर्णानी शरीरानी, ये गीता का श्लोक है। शरीर जीर्ण नहीं होता, शरीर के जीर्ण होने से आत्मा जीर्ण नहीं होती है। तो ये समझा रहे थे भावनात्मक दृष्टि से कि तुम युद्ध करो, डरो मत, किसी का नाश नहीं है, किसी का नाश नहीं है, डरो मत। अरे आप समझा तो रहे हो, जैन देश ने भी समझाया वैरागियों को, देह का विनाश आत्मा का विनाश नहीं है, सम अध्यात्म लीन होने के लिए, न कि धनुष बाण से दूसरे को मार दो, ले आत्मा का विनाश नहीं है। अहिंसा का क्या होगा, अहिंसा का क्या होगा? दोनों पर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हमने नित्य पद से बोल दिया, अनित्य पद से बोल दिया, नित्य क्यों खड़ा किया, अनित्य क्यों खड़ा किया? हाँ, उन्हें उन्हें कुछ ऐसे बनाना था ना, अब फिर उन्होंने क्या किया, वेदों की हिंसा रोकना थी, तो वेद क्या बोल रहे थे, नित्य अगला भाव मिलेगा उनको, इसका फल ही मिलेगा। उन्होंने कहा किसने देखा स्वर्ग नरक, वर्तमान को देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण खड़ा कर दिया वेदों की हिंसा कर वो करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। तो उन्हें क्षणकम शब्द खड़ा किया, और जो लोग आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहे थे सांख, उन्होंने इसलिए बोल दिया भाई किसी का नाश नहीं है, आप मात्र नित्य कूटस देखो। तो नित्य कूटस देखो ये पक्ष लेकर के उन्होंने सांख खड़ा कर दिया, दोनों को मिला के बात करते उससे आधवाद खड़ा होता है। दोनों को मिला दो तो जैन दर्शन की उत्पत्ति, जैन दर्शन की बात प्रारंभ हो जाती, उत्पत्ति नहीं कहना, जैन दर्शन का पक्ष हो जाता, खड़ा हो जाते। तो जैन दर्शन क्या बोल रहा है भाई, पर्याय दृष्टि से विनाश है, द्रव दृष्टि से नित्य त्रिकालिक है, इसलिए अहेतुक भी है सहेतुक भी है, जीव अहेतुक भी है जीव सहेतुक है, जीवत्व भाव अहेतुक है, जीव के नाना रूपता सहेतुक है, ठीक है। अब आगे चलते, अब नित्यवादी भी दीक्षा ले रहे हैं, अनित्यवादी भी दीक्षा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हो आप दीक्षा, क्यों ले रहे हो? तो भिन्न पक्ष खड़ा होता, शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो फिर शांति कैसे मिलेगी? युवा मुंडी राजन से पूछ रहा हूं, शांति के लिए, शांति के लिए चित्त को स्थिर करना पड़ेगा, और जो चित्त स्थिर नहीं कर रहे हैं वे किसी भी रूप में आ जाए उन्हें शांति नहीं मिल सकती। आप सोचो तो शांति मिलेगी, और चित्त स्थिर करने के लिए कर्तृत्व को दूर करना पड़ेगा, बहिर्कर्तृत्व। आप चाहो ये भी कर लें, इनको आशीर्वाद भी दे दूं, इनको अपना भी बना लूं, मुस्कुरा के बोल लूं, तो ये आप, ये अशांति का मार्ग है, लोकेशन का मार्ग है। शांति वास्तव में चाहिए तो फिर आपको जगत के परिचयों से दूर होना पड़ेगा। शांत बैठो, कुछ करने के नहीं तो शांति मिलेगी, शांति के मार्ग को क्रांति का मार्ग खड़ा बना दिया, एक पंथ बना दिया, शांति के मार्ग प्रारंभ किया उसकी क्रांति खड़ी कर दी, शांति के मार्ग की क्रांति, जो नहीं मानेंगे हमारे शांति मार्ग को मार दो, क्रांति खड़ी कर दी, इसलिए हिंसक बन गए सारे के सारे। सती समर्थ कारण कार्य से अवश्य भाव, इसलिए तो बोल रहा हूं, अन्यथा न कदापि कार्यपत्र रीति, ये भी हो गया था क्या? यहां से पढ़ना, यहां से पढ़ना है,
तो पूर्व का बोलना पड़ता है, आपको बोध होना चाहिए। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण पूर्ण निगमन, अन्यथा न कदापि कार उत्पत्ति थी, ऐसा नहीं मानेंगे तो कभी कार की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, सर्वस्य अर्थ क्रिया कारत्व अभावात्, सभी जगह अर्थ क्रिया कारत्व का अभाव हो जाएगा। शून्यता प्रसंगात, उससे शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। यदि हमने कारण क्रिया कारत्व अभाव नहीं माना, कार्य में कारण का अविनाभाव स्वीकार नहीं किया तो कार्य की उत्पत्ति असंभव है, शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए कार्य में कारण का अविनाभाव स्वीकार करना चाहिए प्रसन्नता के साथ, कार्य में कारण को स्वीकार करना चाहिए प्रसन्नता के साथ। तथा ठीक तो कह रहे, अरे भाई ठीक है, आप प्रश्न करते रहते, अच्छी बात है, ये सारे बाहर निकलना चाहिए। अर्थ पर्याय, अर्थ अर्थ पर्याय का प्रणमन है, वो अर्थ क्रिया भिन्न है। क्या अर्थ पर्याय के प्रणमन में, क्या व्यंजन पर्याय प्रणमन अर्थ क्रिया कारक नहीं है? क्या व्यंजन पर्याय में अर्थ क्रिया कारक नहीं है? जो स्थूल को ग्रहण कर रहा है वो व्यंजन पर्याय है, जो कोई जिसे पकड़ने से अर्थ क्रिया कारक। अब सुनिए, इनने थोड़ा सा चेहरा बिगाड़ा तो मैं समझ लेता आदमी चेहरा क्यों बिगाड़ता है, समझे कि नहीं? षटगुण हानि वैद्य रूप प्रणमन अर्थ क्रिया कारक, षट क्रिया का हानि तो प्रतिशत कर रहा, घट का अर्थ क्रिया कारक क्या है? तो इसलिए आपको चरण ही बांधना था, तो मैं उनको ये निषेध कर रहा था कि आप अर्थ क्रिया कर षटगुण वैद्य मात ले जा रहे हो। तो अर्थ क्रिया कारक जो षटगुण हानि वैद्य रूप प्रणमन चल रहा है वो समाप्त हो तो कूटस्थ हो जाएगी वस्तु, कूटस्थ नित्य हो जाएगी तो अर्थ क्रिया कारक का अभाव हो जाएगा। अब सुनो, बढ़ाओ मत, अर्थ क्रिया कारक का अभाव हो जाएगा, अर्थ क्रिया कारक का अभाव तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। अब इसको आपको दो रूप में ग्रहण करना है, दृष्टांत और दृष्टांत के रूप में और वस्तु स्वभाव के रूप में। वस्तु स्वभाव में दृष्टांत मत लाइए तो जल धारण है ना, वो भी अर्थ क्रिया कारक चल, प्रमनशीलता नहीं होगी, पर से प्रमन नहीं करेगा, पर में प्रमन नहीं करेगा तो अर्थ क्रिया कारक कैसे होगा? आसमान जाति परे कैसे बनाएंगे आप? पर रूप प्रमन भी होता, पर का पर रूप प्रमन भी होता, पर से प्रमन भी होता, द्रव में असर पड़ता है, ये निमित्त निमित्तिक प्रभाव है, इसे स्वीकार करो। एक द्रव्य का दूसरे में प्रभाव होने पर भी किसी भी द्रव्य के द्वारा किसी द्रव्य के द्रव्यत्व का हनन नहीं होता है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर पाता। ऐसा स्वामी कहलाने वाले लोग बोलते तो अखंड समाज भेद न होता। अब ऐसा नहीं कह पाए तो इसका मतलब नहीं कि द्रुबुद्धि रही हो, प्रज्ञा की कमी भी हो सकती है। और भाई इधर देखो, आगे खोलो, पहले बहुत सारा विषय दुर्बुद्धि से नहीं छूटता, सुबुद्धि के अभाव में छूटता है। अब इसमें अंतर क्या, सुख सागरी, बहुत सारा विषय दुर्बुद्धि से नहीं छूटा, सुबुद्धि के अभाव में छूटा है, शोषण के अभाव में छूटा है, उसको खींचतान कर दिया तो आपने उसको दुर्बुद्धि में डाल दिया। ऐसा स्वीकार करो,
कुछ ऐसा विषय भी है जो आप कह नहीं पाए, तुम्हारा धारा दूसरी चली गई, तो किसी ने आपको पढ़ा अथवा सुना, उसने सोचा देखो एकांकी खींच रहे, तो वक्ता को नए का समीकरण बिठाना चाहिए, पासंग बिठाना चाहिए। तराजू में जरा भी गड़बड़ तो पासंग डालते, समझ रहे ना, तो पासंग डालना चाहिए, एकांत हो जाना और एकांत खड़ा करना, दोनों में अंतर है। एकांत हुआ है तो अनेक अन्य अंतों को भी सागर लेके आएगा, वो एकांत खड़ा कर नहीं चाहता, वो दूसरे अंत को देखने नहीं चाहेगा, जो दूसरे अंत को देखने नहीं चाहता वो एकांत मिथ्या है, जो दूसरे अंतों को लेकर के अंत की बात कर रहा हूँ, अनेकांत का एक अंत है। बराबर, इसलिए जल धारण क्रियाकारत्व तो है, कमंडल का जल धारण क्या है, अर्थ क्रियाकारत्व। तो व्यंजन पर्याय उसे अर्थ क्रिया के रूप में ग्रहण कर रही है, और अर्थ पर्याय को आप समझाने के लिए कोई तुम्हारे पास न दृष्टांत है न दृष्टांत, जो है सो है। बहुत बढ़िया, देखो पूरा परिचय मुख जिन्होंने पढ़ा है, तुम्हारा पूरा परिचय मुख यहाँ दोहराया जाएगा, इसलिए सभी त्यागियों को सुनना चाहिए। कठिन कह करके आप हटाते रहोगे अपनी बुद्धि से तो ठीक नहीं होगा। अब जो उन्मत्तपना है, पागलपना है, वो व्यक्ति को जो आता है, कई बार व्यक्ति को वहां तक सोच ही नहीं है, वहां की सोचा तो पागल हो जाता है, सोच होने पर भी हीन सोच में बैठा है तब पागल हो जाएगा। जितना आप सोचते हो ना उतनी तुम्हारी सोचने की ताकत इतनी है। कुछ लोग बहुत ताकत है। प्रश्न ऐसा है, ईरान से पेट्रोल की पाइपलाइन आ रही है, रूस से आ रही भारत, दूसरे बीच के देशों से गुजर करके यदि यहाँ आती है तो यहाँ ऊर्जा देगी। अब आसिया से उपद्रवी लोग कोई फंस गए, उसने हमारे भारत में आने वाली पाइपलाइन को उसने बीच में छेद कर दिया, तो वो क्या होगा, उससे पूरा तेल वहीं बीच में नष्ट हो जाएगा, ये आ नहीं पाएगा। अब तुम तेल में कमी खोजोगे, तेल में कोई कमी नहीं है, तुमने कुछ वस्तु ऐसी है, आप आहार करना जानते क्या आप लोग, सुब्रसागरी जो ब्रह्मचारी चाहे मुकेश भैया हो, गंगबाल जी, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, 50 लोग आहार देने आ गए, और इनका सोच है कि मैं आहार करा रहा हूँ, इन सबसे दिलाना है, एक एक मखाना पकड़ा दिया तुमने, बोले चलो भाई, सुनते ना, वो आहार लेने वाले की हत्या कर रहा है। अथवा एक गिलास दिया मुकेश भाई ने, दे रहे थे एक तुरंत वो फाल किए, उसके दो टुकड़े और कर दिए, चार और पकड़ा दिया, वो भी हत्या कर डाली। अब तुम अपनी सोच से तुम क्या सोच रहे हो, बहुत अच्छे व्यवस्थापक बन के आए हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सबको एक मिनट में बाहर कर दूंगा, तुमको पता ही नहीं अभी। मेरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में जो पानी पहुँचता है वो आधी पाइपलाइन से नहीं पहुँचता कि पूरा जब छोड़ता है तब पहुँचता है? बहुत सारा जो तुम्हारे घर में लग गए आजकल हेडपम्प पाइपलाइन वाले, नल की टोंटी वाले, वो पानी कहाँ से आ रहा, जो नलों से पहुंच नहीं सकता ऊपर, तो जो बीच में पड़ा रहता वो पानी खींच रहा था, जो नल में पानी आएगा तो पूरी पाइपलाइन भरेगी, जब पूरी तब आता है। ये रहस्य को सीखो पहले आप लोग, तब हार देने आया अगर चौकों में। विषय पकड़ना, पहुंच गए वैसे व्यवस्थापक बन गए, ज्ञान ही नहीं तुमको कुछ, रहस्यमय टुकड़े कर करके। अब जिस साधु को तुमने हाथ में दिए, अब बेचारा मालूम क्या कर रहा, अब मुख में रख रहा है, और पाप लाने में वो फंस ही नहीं रहा है, फंसेगा तो प्रेशर बने,
तब अंदर जाए। और सुना दे पीयूष, तुम भी सुनो ध्यान से। गन्ने की चरखी देखी, एक काम करना, एक पीस करना उसके, दो तीन पीस करना छिलके छोटे छोटे, उसमें डालना और रस निकालना। रस तो है ना, बस ऐसे ही चरखी है तुम्हारे दांत, इसमें जब दबाओगे ना तो रस बनेगा। जब दबने लायेगी ग्रासी नहीं पहुंच रहा है, अब तुम क्या कर रहे हैं साधु को परेशान कर रहे हैं, घंटे खड़े बेचारे उधर पैर जलन कर रहे हैं। वो मैं हार्दिक बाबू सबको खुश करने के लिए के काजू एक एक इतना पकड़ा रहे। विषय पकड़ना, ये आहार से मतलब नहीं है, आप विषय पकड़ो यहाँ पर। तो ऐसे ही जो बुद्धि भरपूर बहना चाहिए, वो खंड खंड किया, पूरे पूरी लाइन फाड़ दिए। चेहरा देखो, चाहे लघु महावीर को देखो, चाहे पूर्ण महावीर को देखो, चेहरे देखो ना आप सबके। दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है तुम लोगों के, और दिमाग के अंदर चल रहा है तो तुमको साधना की लाइन तुमको ले नहीं जा रहा, लाइन अन्य चली जा रहा, तो फिर लाइन गड़बड़ हो जाती। आप समझो, बाहर में हार्दिक बनावटी हंसना हिंसा है, हंसना ही हिंसा है, तुम हंस क्यों रहे हो? महात्मा जी क्या विषय है? नहीं नहीं हम ये नहीं पूछ रहे, हम जो दृष्टांत दे रहे हैं वो यहाँ पर यहाँ के विषय है कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ ये पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं अर्थ किया और आगे बढ़ा जाएंगे। ये अर्थ क्रिया का अर्थ है, अर्थ क्रिया का अर्थ लगाओ। आगे बढ़ाना था, ना तब असत्य का दोष लगेगा यदि मन नहीं कर रहा फिर भी जो जैसे बोल रहे। लेकिन एक बात गजब की कल आपने अंडरलाइन नहीं करी, सती समर्थ कार्य कार्यव अन्यता न कदापि कार्योत्पत्ति रीति, अन्यता कभी कार्य उत्पत्ति नहीं हो सकती। सर्वस्य अर्थ क्रिया कार्यत्व अभावात्, सर्वतार्थ के अभाव होने से शून्यता प्रसंगात, शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। ये शून्यता के प्रसंग को हमने सारी बातें की है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या बेटा? वो पीली शर्ट ठीक है, क्यों कर रहे हो? अरे जीवन में कुछ करना इसलिए तो कर रहे हैं ना। सुनो सुनो, अरे इधर देखो बोला, यदि तुमको संतान भी चाहिए, ए बालक हम मालूम तो क्या सिखा रहे हैं, आप हमारी बातों को मजाक में समझना कोई भी। सिद्धांतों को सिद्धांतों में कैसे फिट करना आप? मैंने भैया से पूछा क्यों पढ़ाई कर रहा है, खाना भी खा लेता क्या कभी? अच्छा रोज खा लेता। माना कि भाई कहे मैं मात्र पानी पीऊंगा फिर एक नमक की डली खाऊंगा, ठीक है, तो उन भैया से कह देना तुम कुल को शून्य कर दोगे। अब बोलिए तुम मेरी बात, एक नमक की डली खाता और पानी पीता, ये पूरे कुल का शून्य करेगा कि नहीं करेगा? कितने भाई हो? हाँ तो और अच्छी बात होगी। अब वो इकलौता बेटा है, यदि नमक की डली खाए और पानी पिए, बताइए उस शरीर में क्या होगा? जितनी शक्तियां थी शरीर की सब नष्ट हो जाएंगी। नमक, नमक पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। अब इससे कल्पना करेंगे क्या कि भविष्य में इनके कुल में कोई जन्म लेगा? क्यों? शरीर इनका नष्ट हो रहा है, वीर बनेगा नहीं, ताकत आएगी नहीं, कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं, इस संतान को जन्म कैसे देंगे? तो क्या इनके वंश में अर्थ क्रिया कारत्व होगा क्या? बोलो। नहीं होगा। तुम पहले ढंग से बैठो, अभी हार करके नहीं आए। चलो बेटा बुरा नहीं मानना, मैं इनको समझा रहा हूं।
तो मतलब अर्थ क्रिया कारक चाहिए, अर्थ क्रिया कारक चाहिए, तो उनको भरपूर भोजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका कुल में आगे चलेगा, शून्यता का प्रसंग नहीं आएगा। और ये मुनिराज को साधना कर रहे, मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाना है तो इनको दो दो रूप से अतिक्रिया कर करना पड़ेगा, उपवास करके और आहार करके। आहार नहीं किया तो शून्यता आ जाएगी, और ज्यादा आहार कर लिया तो शून्यता आ जाएगी। इसलिए उपेक्षा सही है। आप बोले तो बतोड़े हैं मात्र, अभी इनको तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। शून्यता प्रसंगार बोला, शून्यता प्रसंगार तत उपलब्धि अनुपलब्धि भेद लिंगा दुविधम। इसलिए तत किस किस का हेतु का, अब क्रम से बढ़ रहे हैं। परीक्षा मुख जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत आनंद आएगा। किस तत, तत किम, तत किम हेतु, बहुत बढ़िया। उपलब्धि अनुपलब्धि भेद लिंगम दुविधम, उपलब्धि अनुपलब्धि के भेद से लिंग दो प्रकार के, उपलब्धि हेतु अनुपलब्धि हेतु। तो उपलब्धि हेतु भेद भेद भेद, पवन तुमने भी पढ़ा ना परीक्षा मुख सिद्धम। अब देखो तुम्हारे छात्र यहाँ डाल रहे हैं सब, हाँ छात्र, इसलिए डाल रहे हैं कि अब उनको मालूम चल रहा है कि यहाँ पर परीक्षा मुख पिताजी चल रहे हैं। ये तो पिताजी नहीं है क्या, इसी से जन्म हुआ सर। ये लगिस्त्री है ना, ये परीक्षा मुख का पिताजी है। तो कदापि उपलब्धि अनुपलब्धि लिंग दुविधम, ठीक है ना। तो छह प्रकार की उपलब्धि हेतु, और पहले विधि दुविधम तत्व उपलब्धि विधु, अरे मैं बोल रहा हूँ तत्र। अब कल पूछूंगा मैं यदि मेरी पर्याय ऐसी व्यवस्थित रही तो, परीक्षा में पूछूंगा लगी स्त्री के साथ, ये जितने नए तीनों महाराज है ना, तत्व उपलब्धि विधि साध्य उपलब्धि विधु विधु साध्य सोड़ा। आप लोग मालूम है इतने में सामने सामने ज्ञान अनुक्रम को बंद कर लिया है। देख बालक, मौन से विद्या मिलती है, साध्य उपलब्धि लिंग और अनुपलब्धि लिंग, ठीक है। फिर उनके दुविधम तत्र उपलब्धि भेद साध्य सोड़ा, उपलब्धि के विधि रूप में छह भेद है, उपप्रसिद्ध तथा उपप्रसिद्ध के भी छह। अब व्यवस्थित कर लो, अब व्यवस्थित कर लीजिए। हेतु के दो भेद उपलब्धि अनुपलब्धि, ठीक है। फिर उपलब्धि के दो भेद विधि रूप प्रसिद्ध रूप, उपलब्धि के, ठीक है ना। अनुपलब्धि के दो भेद विधि रूप निषेध रूप। इस प्रकार से अब पूरे पूरे इकट्ठे कर दीजिए, विधि के छह भेद, निषेध उपलब्धि के 12, ठीक है। इस प्रकार से जब लगी स्त्री के टीका में इतना विस्तार है तो फिर न्याय कुमारचंद्र में कितना विस्तार होगा। तो न्याय कुमारचंद दादा तो कलंकी स्वामी है, बेटा के बेटा है, हाँ बेटा के बेटा भाई ने पोता हो जाए प्रपोता हो जाए। लेकिन अब यह विषय पकड़ना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं ना दादा बहुत बड़े, दादा तो बहुत बड़े हैं ही, लेकिन दादा का बेटा और बड़ा हो सकता ही नहीं हो सकता, उसका पोता और बड़ा हो सकता ही नहीं हो सकता। किसान के बच्चे भी कलेक्टर बन जाते हैं, कलेक्टर का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किसान का बच्चा भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन सकता है,
इसलिए भ्रम निकाल देना चाहिए लोगों को कि जो बड़े लोग हैं वो ही बड़े बुद्धि वाले थे। इस विषय ने बड़ा अनर्थ किया है। मैं आज बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्राचीन हमारे आचार्य थे, महान थे, लेकिन आज भी कोई विद्वान मुनि आचार्य आदि है तो उनके ज्ञान को तुम तुच्छ मानते हो, तुम्हारी भूल है। पहले अरे बोला था देख, पहले गन्ना से गुड़ और शक्कर खांड बनाकर छोड़ दिया जाता था। उसी गन्ने के छिलके से आजकल बहुत सारी सामग्री बनने लगी। तो आज के लोग ज्यादा बुद्धिमान कहला ही नहीं कहला है, तद विषय में कहला ही नहीं कहला है। तो इसी प्रकार से आज हमारे यहाँ जो शास्त्रों का प्रणयन हो रहा है, उसमें विशेष अध्ययन चल रहा है और कोई विशेष तत्व को निकाल के आ रहा है, उसे अज्ञानी नहीं मानना चाहिए। और कुछ ईर्ष्यालु लोग, सुब्रत सागर जी, कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने क्या किया है, अब भाई मूल पढ़ो, बोले वर्तमान के लोगों को पढ़ो ही मत, जबकि पढ़ना पड़ता है वर्तमान के लोगों को, पर बोलना ऐसा पड़ता है। चौसम पहले घटने पर भी चौसम विशिष्ट आपको स्वीकार करना चाहिए, चौसम विशिष्ट भी स्वीकार करना चाहिए, घटता भी स्वीकार करो, बढ़ता भी स्वीकार करो। ठीक है, अब ये छह भेद आपको आगे आएंगे ना, आप उनके टेंशन ले रहे पूरा पदम पुराण पढ़ लो, फिर लेट हो जाओ बेटा।